फांसी तो बिचर रहा है। नहीं नहीं नाथ, इसे तो पकड़ कर लाएंगे। तुम इसे पकड़ कर क्या करोगी? स्वामी, मैं इसे पालूंगी और अच्छे अच्छे आभूषण पहनाकर, हरी भरी घास खिलाकर अपना मन बहलाऊंगी। और यदि यह हाथ नहीं आया तो? इसे मारकर मृग छाला ही लेते आना। अच्छा सीता, मैं जाता हूँ। लक्ष्मण, तुम सावधानी से रहना। लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ। भैया लक्ष्मण, मेरी सहायता के लिए आओ। लक्ष्मण, लक्ष्मण, सुन रहे हो? यह आवाज कहां से आ रही है? हाँ माता जी, कोई मुझे पुकार रहा है। कोई कौन? यह तो तुम्हारे भाई की आवाज है और तुम्हें सहायता के लिए बुलाया है। जाओ, जल्दी जाकर उनकी सहायता कीजिए। माता जी, आप तो यूं ही संदेह कर रही हैं। नहीं नहीं, वे अवश्य विपत्ति में हैं, क्योंकि इन वनों में राक्षसों की संख्या अधिक है। माता जी, मुझे भ्राता जी पर पूर्ण विश्वास है। भला राक्षस उनका बिगाड़ भी क्या सकते हैं। Thank you.
माता जी ने। जाने आपको क्या हो गया है जो आप अकारण ही मुझ पर ऐसा दोष लगा रही हो। खैर आपको भी क्या वो कहूं, हमारी किस्मत ही यह सब खेल खिला रही है। भैया लक्ष्मण लक्ष्मण तुरंत मेरी सहायता के लिए आओ, भैया लक्ष्मण मेरी सहायता के लिए आओ। प्राणनाथ आप किसको बुला रहे हैं, जिसको आपने अपना भाई समझा वह तो पूरा स्वार्थी है।
प्राणनाथ आप अपना जीवन अपने ही भाग्य पर छोड़ दीजिए, किंतु स्वार्थी भाई से तो कोई आशा न रखिए। मैं एक अपना आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? माता जी, यह आप नहीं कह रही हैं, बल्कि आज होनी के काल चक्र ने आपकी बुद्धि पर पर्दा डाल दिया है। अच्छा माता जी, मैं जाता हूं, किंतु आप इतनी कृपा करना, इस रेखा का उल्लंघन कर जो पंच कुटी में आएगा, हे आम, उसे लक्ष्मण की तत्काल भस्म हो जाएगा।